IVPL लीग 2024 की शुरुआत 23 फरवरी से हो रही है मेरे दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो IVPL लीग है उत्तर प्रदेश से आयोजित की गई एक लीग है, फ्रेंचाइजी लीग समझ सकते हो। इसमें 6 टीमें भाग ले रही हैं और इन 6 टीमों में आपको इंटरनेशनल खिलाड़ी भी दिखने वाले हैं, लेकिन वो खिलाड़ी जो रिटायर हो चुके हैं। वेटरन का मतलब होता है कि अनुभवी, तो यानी कि ये उन खिलाड़ियों की लीग है जो अनुभवी यानी पुराने खिलाड़ी हो चुके हैं, एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी हैं जिन्हें अब किसी लीग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है, लेकिन वो यहाँ पे आपको खेलते दिखने वाले हैं। 23 फरवरी से स्टार्ट होगी और 3 मार्च को इसका फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। IVPL यानी कि इंडियन वेटरन प्रीमियर लीग 2024 का ये पहला सेशन है। अब पहला सेशन है तो धुआंधार तो होना ही है, क्योंकि पहले सेशन में आपको दिखने वाले हैं इंटरनेशनल खिलाड़ी। कुछ खिलाड़ियों के नाम बता देते हैं हम आपको, जैसे कि सुरेश रैना, हर्षल गिब्स, क्रिस गेल, वीरेंद्र सहवाग, यूसुफ पठान, परवीन कुमार। परवीन कुमार याद हैं या भूल गया? परवीन कुमार वही खतरनाक गेंदबाज हैं जिन्होंने सामने विरोधियों के परखच्चे उड़ा दिए थे भारतीय टीम से खेलते वक्त। अब आपको वो दोबारा से इस लीग में खेलते दिखने वाले हैं। वीडियो पे आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके अगर बेल आइकन नहीं दबाया अब तक तो दबा लें, क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस और क्रिकेट की वो हिडन अपडेट भी आपको मैं लाके देता हूं जो आपको अदर चैनल्स पे नहीं मिलती है। क्रिकेट की सभी अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, बिल्कुल निःशुल्क है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ सभी अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इनके वेन्यू क्या होने वाले हैं, शेड्यूल क्या है और कितनी में भाग ले रही, कितने कितने मैच खेले जाएंगे, टाइमिंग क्या होने वाली है और लाइव जुगाड़ से कैसे देख सकते हैं, मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर पे ब्रॉडकास्ट राइट किनके पास है, चैनल्स के पास वो कैसे देखेंगे, और जो जुगाड़ से देखना चाहते हैं उनके लिए क्या जुगाड़ है। एक रिक्वेस्ट आपसे है कि वीडियो पूरी देखिएगा, अधूरी वीडियो देखकर जाएंगे तो आप भटकते रहेंगे, बाद में मुझे कमेंट करते रहते हैं, मैं कितने लोगों के कमेंट का रिप्लाई दूं भाई। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी वीडियो देख लेंगे, सभी समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो IVPL शुरू हो रहा है टोटल 6 टीमें भाग ले रही हैं और इसमें हर एक टीम एक दूसरे से केवल एक बार भिड़ेगी, यानी 6 टीमें आपस में एक एक बार भिड़ेंगी। ऐसे आप ऐसा समझ सकते हो कि एक एक करके ये 12 मुकाबले तो आपके फिक्स हो गए, यानी टोटल ये जो IVPL है इस लीग में टोटल 18 मुकाबले खेले जाने हैं। पहला मुकाबला 23 फरवरी को खेला जाएगा जो कि सिंगल होगा, और बाकी एक मुकाबला सिंगल जो होने वाला है वो आखिरी होगा 3 मार्च को जो फाइनल खेला जाएगा। बाकी जितने मुकाबले होने हैं हर दिन आपको डबल हेडर देखने को मिलने वाली है। अगर हम टाइमिंग की बात करें तो ये जो मुकाबले होने वाले हैं इनकी जो शाम वाली टाइमिंग है वो 7 बजे की है, और जो मुकाबला डबल हेडर वाला है यानी उसमें 2 बजे से मुकाबला शुरू हो जाएगा दोपहर के, और दूसरा मुकाबला शाम के 7 बजे से शुरू हो जाएगा। पहला मुकाबला यानी 23 फरवरी और 3 मार्च को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी दिन हैं आपको डबल हेडर देखने को मिलने वाली हैं। तो आप लोग जुड़ जाइएगा अपने टाइम से मैच को देखने के लिए। आगे मैं बताने वाला हूं कि इनकी लाइव स्ट्रीमिंग की ब्रॉडकास्ट राइट्स किसके पास हैं, और साथ में बताता हूं कौन कौन सी टीमें हैं और उनके कप्तान कौन हैं। तो टोटल यहां पे 6 टीमें भाग ले रही हैं। अगर उनका नाम और उनके कप्तान के बारे में बात करें तो VVIP उत्तर प्रदेश की कप्तानी करते सुरेश रैना आपको दिखने वाले हैं, रेड कॉर्पोरेट दिल्ली की कप्तानी करते हर्षल गिब्स आपको दिखेंगे, वहीं तेलंगाना राइडर्स की कप्तानी करते अपने क्रिस गेल देखने वाले हैं, यानी मैच यहीं से आपको देखने में मजा आएगा। मुंबई चैंपियन कप्तानी करते वीरेंद्र सहवाग दिखने वाले हैं, और छत्तीसगढ़ वैजियर्स की कप्तानी करते यूसुफ पठान नजर आने वाले हैं, वहीं राजस्थान लेजेंड की तरफ से परवीन कुमार आपको अगुवाई करते दिखने वाले हैं, जिन्होंने भी ललन टॉप एक चैनल है डेली यूट्यूब चैनल है उस पे जाके इन्होंने इंटरव्यू दिया जिससे ये और ज्यादा चर्चा में आ चुके हैं और यहां पे आपको ये खेलते दिखने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये जो मुकाबले होने वाले हैं ये कहां खेले जाएंगे, तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेला जाना है। दोबारा एक बार जान लीजिए, जिनको लाइव देखने स्टेडियम में जाना है टिकट वगैरह लेकर तो वो देख लें, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेला जाना है। टाइमिंग दोबारा से बता दूं कि सभी मुकाबले शाम के 7 बजे से होंगे और जो डबल हेडर वाले हैं वो आपको दोपहर के 2 बजे से देखने को मिलेंगे। पहला मुकाबला जो होगा 23 फरवरी को होगा वो आपको शाम को 7 बजे देखने को मिलेगा, और जो फाइनल मुकाबला है वो 3 मार्च को होगा, वो भी एक ही मुकाबला होगा उस दिन और शाम
शाम के 7 बजे देखेंगे। बाकी सभी दिन डबल हेडर हैं। पहला मुकाबला 2 बजे दोपहर से शुरू होगा, दूसरा मुकाबला 7 बजे से शुरू होगा। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे कि इनके लाइव स्ट्रीमिंग का ब्रॉडकास्ट राइट्स किसके पास है। तो ये चैनल है डीडी स्पोर्ट में आप इसे वॉच कर सकते हैं, साथ में यूरो स्पोर्ट पे भी आप इसे देख सकते हैं। अगर आप फैन कोड का सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं तो फैन कोड पे भी इसकी लाइव स्ट्रीम होने वाली है। अब उन लोगों के लिए बताऊं जो जुगाड़ से देखना चाहते हैं सभी क्वालिटी में, तो उनके लिए एक छोटी सी ऑप्शन है, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, वहां सारे जुगाड़ आपको मिल जाएंगे। आपको टेंशन लेनी ही नहीं है कितने बजे मैच है, कब शुरू होना है, सारी अपडेट मिल जाएगी, जुगाड़ मिल जाएंगे और वहां से आप अपडेट पे जाके वॉच कर पाएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और कौन सी टीम को आप सपोर्ट करते हैं वो भी जरूर बताना। और फिलहाल मैं तो उत्तर प्रदेश हूं, आप कौन से प्रदेश से हैं, कौन से राज्य से हैं वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करिएगा और टेलीग्राम से ज्वाइन जरूर हो जाना, वहीं पे आपको लाइव का जुगाड़ मिलेगा। नमस्कार।